वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वे कार्येषु सर्वदा मंगलं भगवान विष्णु। तुला राशि वालों, शनिवार का दिन 20 नवंबर मार्गशीर्षमा कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शिव योग रोहिणी नक्षत्र। आज आपकी कुंडली में चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव, राहु की छाया, बुध शनि, मंगल की दृष्टि आपके जीवन में सौभाग्य सुख लाभ और आपको भाग्यशाली बना रहा है। आज रोहिणी नक्षत्र है, रोहिणी नक्षत्र में जिसका नक्षत्र स्वामी चंद्रमा और नक्षत्र की राशि स्वामी शुक्र आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। शुक्र तुला राशि वालों के लिए लग्न का स्वामी होता है, जबकि चंद्रमा आपके लिए कर्म का स्वामी होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार तुला राशि के स्त्री पुरुष रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव से प्रभावित होते हैं। ये चंद्रमा और शुक्र आपके जीवन में बहुत सारे परिवर्तन लेकर आते हैं। चंद्रमा और शुक्र के कारण आपके जीवन में समृद्धि सुख लाभ मिलता है, आपके जीवन में तरक्की होती है, उन्नति होती है। रोहिणी नक्षत्र ज्योतिष गणना के अनुसार रोहिणी नक्षत्र 5 तारों का समूह, यानी आपके जीवन में 5 तरह के काम आज होंगे। मन चंचल होगा, अपनी दुनिया में रहना आप पसंद करेंगे, अपने घर परिवार में माँ से आपका काफी लगाव होगा, अपने लक्ष्य के प्रति आप गंभीर होंगे और जीवन में सुख प्राप्त करने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेंगे। ये 5 काम आज आपके जीवन में है, परिवर्तन को खुले मन से स्वीकार करेंगे और जीवन में सुमार्ग पर चलते हुए धन कमाएंगे, लोकप्रिय बनेंगे, यानी आज आपका सामाजिक दायरा काफी बड़ा होगा। आपके जीवन की जो परेशानी है, जो कष्ट है, आपके जीवन में जो भी बाधा है, आज आप चाहेंगे कि अपने जीवन में इन बाधाओं पर विजय प्राप्त करके आगे बढ़ें, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करें, नौकरी व्यापार पढ़ाई में आगे रहें और अपने जीवन में उन्नति तरक्की समृद्धि धन, यानी आज आपके मन में 5 तरह के विचार उत्पन्न होंगे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोहिणी नक्षत्र जब भी आता है तो तुला राशि के जीवन में कुछ अच्छा होता है, क्योंकि चंद्रमा जो कर्म का स्वामी है, शुक्र जो लग्न का स्वामी है, आपके जीवन को आगे बढ़ाता है, आपके जीवन में समृद्धि सुख लाभ लेकर आता है। आज शिव योग है, रोहिणी नक्षत्र है, चंद्रमा शुक्र का प्रभाव है, राहु की छाया है, बुध शनि मंगल की दृष्टि है। आज आपकी कुंडली पर जो ग्रहों का प्रभाव है वो कुछ इस तरह है। शुक्र आपकी कुंडली के पराक्रम स्थान में गोचर कर रहा है। पराक्रम स्थान में शुक्र का गोचर और शुक्र की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर है, यानी आपकी कुंडली के तृतीय भाव में शुक्र बैठा है, जिसकी दृष्टि आपकी कुंडली के नवम भाव पर है। वहीं चंद्रमा राहु के साथ अष्टम भाव में गोचर कर रहा है। चंद्रमा और राहु पर सूर्य का प्रभाव है, सूर्य जो आपकी कुंडली के धन स्थान में बैठा है, बुध मंगल के साथ आज लग्न में गोचर कर रहा है। बुध आपके भाग्य स्थान का स्वामी है, जबकि मंगल आपके जीवन में साहस और आपके जीवन में आपके प्रयास को सफल बनाता है। वहीं शनि और बृहस्पति को देखें तो शनि बृहस्पति की भी आपकी कुंडली में आज सुख स्थान में एक साथ गोचर करना,
मानो जीवन में हर परिस्थिति में लाभ का योग बना रहा है। रोहिणी नक्षत्र में ये समय आपके जीवन को उन्नति के रास्ते पर आगे ले जा रहा है। आज आप सभी की मदद करेंगे, किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटेंगे। अपने दिमाग के बजाय अपने दिल की बात सुनना ज़्यादा पसंद करेंगे। भविष्य की चिंता होगी तो अपने जीवन की चिंताओं को दूर करने के लिए अपने काम के प्रति आप काफ़ी ईमानदार होंगे। अपने सपनों को पूरा करने का प्रयास करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे तो जीवन में हर चीज़ का आनंद आपको प्राप्त होगा। रोहिणी नक्षत्र में तुला राशि वालों के लिए बड़ा भाग्यशाली योग बनता है। साथ ही साथ आज शिव योग है। शिव योग रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा और शुक्र का प्रभाव आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है, आपके आत्मविश्वास को और भी ज़्यादा दृढ़ और निश्चय बनाता है। आज ये साहस सौभाग्य सफलता देता है। मेहनत से तरक्की के नए रास्ते खुलते हैं। धन के मामले में आज आप भाग्यशाली होते हैं क्योंकि चंद्रमा और शुक्र। तुला राशि वालों, आज रोहिणी नक्षत्र है। रोहिणी नक्षत्र में जीवन साथी के साथ आपका प्यार, आपका रोमांस बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रोहिणी चंद्रदेव की 27 पत्नियों में से एक थी, जो सबसे सुंदर, तेजस्वनी और भाग्यशाली थी। रोहिणी प्रजापति दक्ष की पुत्री है। सभी पत्नियों में रोहिणी से ज़्यादा स्नेह रखने वाले चंद्रदेव आकाश मंडल में जब भी चंद्रमा रोहिणी के पास आते हैं तब तब उनमें निखार और अधिक बढ़ जाता है। इसलिए आज आप जीवन का सुख सुविधा, अपने जीवन में आकर्षण, सफलता, कामयाबी, हर तरह के क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। मन में समृद्धि, सुख और जीवन में आगे बढ़ने का विश्वास हर क्षेत्र में आपको सफलता देगा, कामयाबी देगा। रोहिणी नक्षत्र जब भी आता है तुला राशि के जीवन में धन समृद्धि सौभाग्य आपका और भी ज़्यादा निखर कर सामने आता है। आपके जीवन में दूसरों को प्रभावित करने की शक्ति बढ़ती है। आपके जीवन में लाभ होता है, उन्नति मिलती है, तरक्की और सुख है। आपके जीवन में खुशियों को बढ़ाता है और आपको भाग्यशाली बनाता है। रोहिणी नक्षत्र यानी धनी इंसान, सुंदर, बुद्धिमान, अपने साहस से जीवन में सुख पाने वाला, सफलता पाने वाला, अपने जीवन में उन्नति करने वाला, सुख समृद्धि से अपने जीवन को सुंदर बनाने वाला, मनवांछित सफलता प्राप्त करने वाला, अपनी इच्छाओं को पूरा करने वाला, ये समय आपके लिए बड़ा शुभ और सुंदर है। आज आप किसी को भी पराजित कर सकते हैं। शत्रु का नाश करने वाला, जीवन में समृद्धि और सुखों का भोग करने वाला आज तुला राशि के वाले, आज आप सुंदर होंगे, आकर्षक होंगे, धनवान होंगे। आपके जीवन में समृद्धि और धन बढ़ेगी। आज बुध, शनि, मंगल की दृष्टि और राहु की छाया है। शिव योग रोहिणी नक्षत्र में आज राहु काल सुबह 9:27 से 10:47 तक। राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज आपके लिए विजयी मुहूर्त 1:53 से 2:35। इस दौरान आपके जीवन में सफलता और सुख का योग है। आज सर्वात सिद्धि और अमृत सिद्धि योग का भी दिन है। तो आज का दिन रोहिणी नक्षत्र शिव योग में शनिवार का दिन तुला राशि वालों के लिए काफ़ी भाग्यशाली है। चंद्रमा शुक्र का प्रभाव है। दिन की शुरुआत पूर्व दिशा की तरफ से ना करें। आपके लिए लकी कलर व्हाइट है और लकी नंबर 2 है। तो रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा और शुक्र, राहु, बुध, शनि, मंगल आपके जीवन को सुंदर बना रहा है। आपके जीवन में उन्नति तरक्की लेकर आया है।
आज का दिन भाग्य बदलने वाला सुंदर योग जो आपके इरादों को मजबूत बनाएगा, आपके जीवन में उत्साह और भाग्य को चमकाएगा। आज शनिवार का दिन है, शिव योग है। आज आप हनुमान जी का दर्शन करें तो आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा। हनुमान जी के आशीर्वाद से ही रोहिणी नक्षत्र में चंद्रमा और शुक्र के प्रभाव से आपके जीवन में खुशियां बढ़ेगी, आपके जीवन में लाभ होगा, आपके जीवन में उन्नति होगी, तरक्की होगी। तो आज अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए, जीवन में और निखार और धन कमाने के लिए, अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए कर्म पर विश्वास करके आगे बढ़ें। हर समस्या समाप्त होगी, भाग्य आपका साथ देगा, कामयाबी सफलता मिलेगी और आज का दिन आपके लिए बड़ा सुंदर और शुभ होगा। तो तुला राशि वालों, ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। तुला राशि वालों के लिए बड़ा भाग्यशाली समय है। ऐसे समय में आप जीवन में सुख, संपत्ति, उन्नति, समृद्धि और धन प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए अपने काम को करते जाएं, आपके जीवन में बड़ा लाभ होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा मंगलम भगवान विष्णु। जय महाकाल, जय महादेव, ओम नमः शिवाय।